दाल चीनी रखेगी आपको हमेशा जवान, फिट और छरहरा। आपके अपने घर के मसालों की रानी दालचीनी का उपयोग तो आपने कई बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके हर बीमारी का इलाज करने में सक्षम है और वजन कम करने तथा स्टेमिना बढ़ाने में भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। जी हाँ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन मिनरल्स भारी मात्रा में होता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं जो आयुर्वेद के कई संदर्भ ग्रंथों के अध्ययन और कई नामी वैद्य जन के आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद बड़ी कड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। साथ ही हम रिव्यू करेंगे पतंजलि के दिव्य दालचीनी चूर्ण का और आपको बताएंगे कि वेट लॉस और फिटनेस के लिए इसे कैसे उपयोग करें। बस आपको वीडियो अंत तक बिना स्किप किए देखते जाना है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विधु भूषण और आप देख रहे हैं दिनकर इंडिया लाइव। दालचीनी में विटामिन ए बी ई के अलावा प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड भी होता है। यही कारण है कि दालचीनी मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, मोटापा जैसे कई गंभीर बीमारियों में दवा की तरह काम करती है। आइए जानते हैं इसे खाने के कुछ फायदे। ठंडी या जुकाम की वजह से होने वाले सिर दर्द में दालचीनी का लेप माथे पर लगाने से आराम मिलता है। मुंह की बदबू और दांतों की परेशानी में भी दालचीनी बहुत कारगर है। इसके पाउडर को दांतों पर मलने से आराम मिलता है। कैंसर रोगियों के लिए भी दालचीनी लाभकारी होती है। 1 महीने तक शहद के साथ इसका सेवन करने से कैंसर ठीक हो सकता है। अगर किसी को कम सुनाई पड़ता है तो उसे दालचीनी के तेल की कुछ बूंदें कान में डालनी चाहिए। इससे उनके सुनने की क्षमता बढ़ती है और यह एक आयुर्वेद का आजमाया हुआ नुस्खा है। अपच, पेट दर्द और सीने के जलन होने पर दालचीनी को सौंठ, जीरा और हरी इलायची के साथ मिक्स कर चूर्ण बना लें और इसे गर्म पानी के साथ पी लें, आपको आराम मिलेगा। मिचली, उल्टी या अपच में आप दालचीनी को काली मिर्च पाउडर और शहद के साथ मिलाकर लें, आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। कब्ज और गैस की समस्या, जो कि आज आम समस्या है, इसके लिए भी दालचीनी के पत्तों का चूर्ण का लेना चाहिए और दालचीनी का सेवन इससे आपको मुक्ति जरूर दिलाएगा। यदि बार बार जुकाम होता है तो आप चुटकी भर दालचीनी पाउडर पानी में उबाल लें और इसे चुटकी भर काली मिर्च और शहद मिलाकर पिएं। ये जुकाम, गले की सूजन, हाँसा, छींक में फायदा देगा। यूट्रे से जुड़ी बीमारियों में भी दालचीनी का प्रयोग जरूर करें। इसके चूर्ण गर्म पानी से लें। डिलीवरी के बाद दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा मुंह में रखकर इसका रस लें। इससे डिलीवरी के बाद होने वाली प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। दालचीनी का चूर्ण लेने से लैक्टिंग मदर का दूध भी बढ़ता है, इसलिए भी आप इसे आजमा सकते हैं। साथ ही जिन्हें पौरुष संबंधी कोई समस्या हो, दिक्कत हो, उन्हें भी गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम इसे दूध के साथ लेना चाहिए। पतंजलि के आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यह काफी कारगर है। दालचीनी और काली मिर्च को एक साथ खाने से कफ में राहत मिलती है और सर्दी जुकाम से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप चाहें तो दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना 1 गिलास गर्म पानी के साथ दालचीनी या शहद मिलाकर पीने से आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी और अधिक उम्र में भी आप जवान दिखेंगे। अगर महिलाएं चमकदार और सुंदर बाल चाहती हैं तो गुनगुने जैतून के तेल में दालचीनी और शहद मिलाकर बालों में लगाना चाहिए। इससे आपके बाल मजबूत, चमकदार और घने होंगे। अब आइए आपको पतंजलि के दिव्य दालचीनी पाउडर का रिव्यू दिखाते हैं। इसी बीच में आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे। आइए देखते हैं पतंजलि के दिव्य। देखिए, ये है पतंजलि के दिव्य दालचीनी चूर्ण। ये दालचीनी इस टाइप की आती है, गर्म मसालों में आपने देखी होगी। दालचीनी का इसको इसमें चूर्ण बनाया गया है। 52 रुपए इसका मूल्य है और इसमें 100 ग्राम दालचीनी पाउडर रखा हुआ है। जो मसालों वाली दालचीनी होती है उसे भी पानी में उबाल के आप पी सकते हैं आसानी से। अगर आप चाहते हैं प्रयोग करना तो ये दालचीनी चूर्ण इस टाइप का इसमें है, आप चाहें तो इसका प्रयोग करें। इसका जो निर्धारित डोज है वो है 375 मिलीग्राम टू 1 ग्राम, यानी 375 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक आपको ये एक बार में इस्तेमाल करना है। मतलब आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक
तो आपका 100-200 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए, सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही कारगर है। आप चाहें तो इसको गर्म पानी में शहद के साथ मिला के पी सकते हैं, ग्रीन टी में पी सकते हैं। यह देखिए गर्म पानी, और यह है छोटा सा चम्मच 1 ग्राम का, मैं निकाला और गर्म पानी के अंदर इसे डाल दिया। तो इस प्रकार से देखिए दालचीनी का हमने ये पानी बना दिया। गर्म पानी लेना है, उसको ऐसे आराम से मिलाना है और फिर आराम से इसको आपको पीना है। इसमें आप तो चाहें तो नींबू का रस भी मिला दें, और चाहें तो इसमें अदरक का रस भी मिला सकते हैं, तुलसी का पत्ता उबाल सकते हैं, साथ में ग्रीन टी किस बना सकते हैं। तो ये ड्रिंक आपको सर्दी जुखाम से तो दूर करेगी ही, इन्फेक्शन से भी बचाएगी आपको, और वेट लॉस में आपको काफी मदद करेगी। आप में से कितने लोग पहले से दालचीनी का उपयोग करते थे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।